जानबूझ के दुर्घटना कराया जा रहा है तो उसकी जांच रेलवे मंत्रालय कर रही है, उस पर कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। मैसूर से बिहार के दरभंगा जा रही बागमती एक्सप्रेस चेन्नई के पास एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद ट्रेन में आग लग गई। यह घटना कावराई पेट्टई रेलवे स्टेशन के पास हुई। अब इस हादसे में 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अब इस रेल हादसे पर जेडीयू के कद्दावर नेता ललन सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। ललन सिंह ने कहा कि ये तो होता ही रहता है, कई जगह लोग ट्रैक पर रख देते हैं, जानबूझकर ट्रेन दुर्घटनाएं कराई जाती है, रेल मंत्रालय इसकी जांच करवा रहा है। अरे होता रहता है, ट्रेन एक्सीडेंट में आपने देखा नहीं है कि कई जगह लोग ट्रैक पर कुछ रख दे रहे हैं, जानबूझ के दुर्घटना कराया जा रहा है तो उसकी जांच रेलवे मंत्रालय कर रही है, उस पर कार्रवाई होगी। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की रात 8:30 बजे तमिलनाडु के त्रिवलूर में ट्रेन संख्या 12578 बागमती एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद से बड़ा हादसा हो गया। हालांकि हादसे के बाद रेस्क्यू टीम जो है वो मौके पर पहुंची और सबको सुरक्षित वापस निकाला गया और ट्रेन खड़ी मालगाड़ी से टकराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे से पहले यात्रियों को ट्रेन में पहले तो गंभीर झटका लगा और उसके बाद ट्रेन लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में ट्रेन की 6 कोच पटरी से उतर गई और इस दुर्घटना में कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ यात्री घायल हो गए, उनकी ऐसी खबर सामने आ रही है। घायलों को तुरंत इलाज के लिए व्यवस्था भी की गई, मेडिकल रिलीफ वैन और रेस्क्यू टीम को तुरंत वहां पर लगाया गया। चेन्नई सेंट्रल से ये टीम रवाना की गई, राहत बचाव कार्य चलाया गया। दक्षिण रेलवे के GM यानी चेन्नई डिवीजन के DRM और अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया गया। घटना के बाद यात्रियों और उनके परिवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों ने घटना की जांच की शुरुआत भी कर दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस साल फरवरी से जुलाई तक अलग अलग रेल हादसों में दर्जन लोग की जान भी जा चुकी है और इन घटनाओं ने रेलवे के सुरक्षा उपायों की स्थिति पर गंभीर सवाल जरूर खड़े किए हैं। आपको क्या लगता है, ये जो दुर्घटनाएं हो रही है इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।